आई उधर रानी मैनावंती अपने बेटे गोपीचंद को जोग दुआने की बात करती हैं और दूसरी तरफ रानी पाटम देखो सपना दिखता है। सपने का हवाला अपने पियाजी गोपीचंद को बताते हैं कि पियाजी रात मुझे सपना आया और मैंने सपने में आपको किस वेश में देखा, क्या क्या देखा, आइए सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। हे रे सपने के माँ, मेरे पिया मने कान पड़ाए देखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में झोली खाए देखा हो, झोली खाए देखा हो, मेरे सपने के माँ मेरे पिया मने कान पड़ाए देखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में
महला में पाटम देके लाड़ लड़ाए देखा हो सिरे मारता ठीक हाथ में जोड़ी ठाए देखा हो अरे जोड़ी ठाए देखा हो खुशोकर आदरणीय हमारे अंकल जी मदन पवार जी जो हमेशा अपना प्यार अपना आशीर्वाद हम नाचीज कलाकारों पे बनाए रखते हैं 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बार अंकल जी के लिए जोरदार ताली अपने मिस्र होता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अंकल जी का। अंतिम लाइनों में एकदम से डर गई, एकदम से आंख खुल गई, और जब आंख खुली तो देखा तो मैं तो सपना देख रही थी। फिर यूं सोचने लगी, पिया जी अगर मेरा सपना सच हो गया, अगर तुमने सच में ही जोग ले लिया तो मेरा क्या होगा, आपकी और 15 रानी है उनका क्या होगा, और आपकी 12 कन्या है उनका क्या होगा। किस तरह से समझाती है अंतिम लाइनों में। रागनी अच्छी लग रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बीच में हमारी छोटी सी अपनी कंपनी है, दीपा फिल्म्स का बैनर भी लगा हुआ है, दीपा फिल्म्स कंपनी है, और 4-5 दिन के बाद ये सारा जितना भी कार्यक्रम है, जितनी भी रागनी यहाँ पे हुई है, आप सभी को यूट्यूब पे दीपा फिल्म्स चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो कहूँगी कि आजकल आप सभी के पास में टच के फ़ोन, स्मार्टफोन सभी के पास में मिलते हैं, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, टच के फ़ोन सभी के पास होते हैं। तो YouTube पर जाकर दीपा फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप सभी को नई नई रागनियां, नए नए भजन आगे देखने को मिले। आइए अंतिम लाइनों में क्या लिखा वाला हाथ।